Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग. कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे. और आज है संडे और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 11 बजे से. और आज मैं बनाने वाली हूँ चाप. मुझसे बहुत लोगों ने चाप की रेसिपी मांगी थी. चाप जो है मैं दो तीन तरीकों से बनाती हूँ, लेकिन उसमें जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है जो मैं हलवाई स्टाइल चाप की सब्जी बनाती हूँ. तो आज मैं वो आपके साथ शेयर करूंगी. बाकी आगे वाले टाइम पे मैं चाप की और भी रेसिपीज आपके साथ शेयर कर दूंगी, लेकिन आज मैं सब्जी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ. तो इससे मैंने आज सुबह ब्लॉग शुरू किया, वरना संडे को मेरा ऐसा कोई मूड नहीं था कि आज ब्लॉगिंग करूंगी. आज मुझे डॉक्टर के पास जाना, तो थोड़ी सी टेंशन भी थी. मतलब बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन मुझे ना इंजेक्शन से बहुत डर लगता है. और बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जिनको इंजेक्शन से डर लगता है, और फिर ब्लड टेस्ट करवाने के लिए वो खून लेते हैं. और पता नहीं क्या, और लास्ट टाइम भी जब मेरा ब्लड टेस्ट हुआ था, मतलब स्टार्टिंग के टाइम में ब्लड टेस्ट होता है एक तो प्रेगनेंसी में, उसके बाद 4 मंथ के बाद होता है एक ट्रिपल टेस्ट. मेरा ट्रिपल टेस्ट है तो मैं वो करवाने के लिए जाऊंगी आज. तो उसमें जब फर्स्ट टाइम मैंने ब्लड टेस्ट करवाया था तब भी उनको खून नहीं मिला था, तो 2-3 जगह से उन्होंने ट्राई किया तब खून मिला. तो फिर अब मुझे यही डर लग रहा है कि फिर आज जाऊंगी कहीं फिर उनको वो ना मिले खून, तो फिर वो 2-3 जगह पे इंजेक्शन लगा के देखेंगे कि कहाँ से ब्लड मिल रहा है. तो फिर डर तो लग रहा है, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है. इतना दर्द तो नहीं होता वो इंजेक्शन जब लगाते हैं, लेकिन एक होता है ना अंदर से दिल में एक डर सा बैठा इंजेक्शन को लेकर के, तो वो डर है मुझे. वो पता नहीं क्यों है, चाहे मैं कितनी कोशिश कर लूँ नहीं जाता. तो अभी खाना पीना बना के दोपहर में शायद मैं जाऊंगी इंजेक्शन, मतलब दोपहर में जाऊंगी मैं ब्लड टेस्ट के लिए. और उसके बाद जाना है मुझे मार्केट, और मार्केट से कुछ सामान भी लेकर के आना है, कुछ चीजें ग्रोसरी के सामान जो खत्म हो गए थे, तो वो भी ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. अभी तो मैं बनाने जा रही हूँ सब्जी, और मैं उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. और शायद आपको पसंद आए, तो ब्लॉग में बने रहिएगा और एंड तक देखिएगा ब्लॉग में क्या क्या होता है. चाप की ग्रेवी बनाने के लिए आप किसी भी बर्तन में पानी को गर्म कर लीजिए, उसमें नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च डाल के, कश्मीरी लाल मिर्च डाल करके टमाटर को बॉईल कर लीजिए, जो कि मैं कर रही हूँ. मीनवाइल मैंने साथ में कढ़ाई भी चढ़ा दी है जिसमें प्याज को फ्राई करूँगी, और बाकी अदरक लहसुन काजू इन सबको इसमें फ्राई करूँगी. और इसको बहुत अच्छा फ्राई देना है. प्याज को आप देखिए, जब प्याज बिल्कुल ब्राउन हो गया तब मैंने जाकर के इसमें लहसुन डाला है. लहसुन के साथ मैं इसमें डालूंगी काजू, और काजू के बाद मैं इसमें डालूंगी कुछ खड़े मसाले भी, और वो सब मैं इसके साथ फ्राई करूंगी. इन मसालों को अच्छे से फ्राई करना है सॉफ्ट होने तक, अच्छा सा अरोमा आने तक, क्योंकि हम इस स्टेज पर इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे ना, तो पेस्ट बनाने के बाद हमें इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना पड़ेगा. और टमाटर जो है बिल्कुल बॉयल हो चुके हैं, तो मैंने गैस का फ्लेम कर दिया है बंद. और ये चाप है जो कि सोयाबीन से बना होता है. बहुत लोगों को ना इसको देख करके एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि इसकी शक्ल कुछ अलग ही लगती है, और बहुत लोग इसको लेग पीस समझ लेते हैं, लेकिन ये है चाप जो कि सोयाबीन से बनी होती है. और पूरी तरह से ये वेजिटेरियन डिश है, और बहुत ही टेस्टी भी लगती है खाने में. शादी पार्टी में भी आपने बहुत जगह पर चाप की ग्रेवी खाई होगी. तो आज मैं हलवाई स्टाइल थोड़ा सा बनाने वाली हूँ चाप को. उसके बाद जो मैंने फ्राई किए थे मसाले और जो बॉईल किया था टमाटर, सबको मैं एक साथ मिक्स कर दूंगी और इनको ठंडा होने दूंगी. ठंडा होने के बाद मैं इनको ग्राइंड कर लूंगी, और सेम कढ़ाई में मैंने और तेल डाल दिया, और उसमें मैं चाप को फ्राई कर लूंगी. मैंने फ्लेम बहुत हाई नहीं रखा है, थोड़ा मीडियम ही रखा है ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए. बहुत हाई कर दोगे तो ये जल जाते हैं और प्रॉपर फ्राई नहीं होते. और ये जब एक तरफ से ब्राउन हो गए तो मैंने दूसरी तरफ इन्हें पलट दिया. आप देखिए इस तरह से आपको इसी कलर में ब्राउन करना है इसको. और चाप फ्राई किया हुआ ना बहुत ज़्यादा बेटर लगता है. ऐसे आप डायरेक्ट चाप की सब्जी बनाओगे ना तो वो एक कच्चा सा टेस्ट देता है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता. तो इसको इस तरह से फ्राई करने के बाद मैं निकाली, और इसी तरह से मैंने बाकी जितने भी चाप थे मेरे पास सबको फ्राई कर लिया है. और आप देख सकते हो सबका कलर कितना अच्छी तरह से मैंने बिल्कुल ब्राउन किया है. और फिर सेम कढ़ाई में तेल को मैंने थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया है. उसमें डालूंगी मैं खड़े मसाले जिनकी छौंक लगाऊंगी मैं, जिसमें है जीरा, लाल मिर्च, दालचीनी, तेजपत्ता, वो बड़ा वाला जो इलायची आती है वो. आप चाहें तो और भी खड़े मसाले आते हैं, जावित्री और वो स्टार वाला कुछ आता है वो, आपके पास अगर है तो आप वो सब यूज़ कर सकते हो. इसको बहुत अच्छे से मैंने गर्म होने दिया है तेल को. फिर मैंने इसमें डाला है फ्लेम को एकदम कम करके, उसके बाद मैंने इसमें डाला धनिया पाउडर, और उसको तुरंत सॉटे कर लिया मैंने. उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया वो जो प्यूरी बनाई थी हमने टमाटर की और प्याज की और बाकी चीज़ों की, वो सब मैंने इसके अंदर डाल दिया. और उसको डालने के बाद इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी बस इन मसालों से ही. और फिर उसके बाद इनको बहुत अच्छा मिक्स दे दिया मैंने. और मसाले को थोड़ी देर पकाएंगे हम यहाँ पर जब तक उसमें थोड़े से बबल्स ना आने लग जाए. ओके
उसके बाद इसमें मैं सारे सूखे मसाले जो होते हैं रेगुलर मसाले वो डालूंगी, जिसमें है गरम मसाला, मिर्ची पाउडर, मैं हींग डालना भूल गई थी पहले, तो हींग पहले डाल सकते हैं तड़के में। उसके बाद सोयाबीन चाप मसाला मैं लेकर के आई थी, जहाँ से हम चाप लेके आए थे वहीं से, आप जहाँ से भी चाप लेते हो ना आपको वहाँ चाप मसाला भी मिल जाएगा, तो वो थोड़ा मैंने ज़्यादा यूज़ करा है, करीब 1 से 1.5 चम्मच। और फिर मैं मसालों को भी बहुत अच्छे से मिक्स कर दूंगी और थोड़े दिन को भी पकने दूंगी। उसके बाद मैंने इसमें डाला है कसूरी मेथी, और कसूरी मेथी डालने के बाद भी मैं थोड़ी देर से और बॉईल करूंगी, और जब इस मसाले में से एक अच्छा सा अरोमा आने लग जाए, आपको लगने लगे कि कुक हो चुका है अच्छे से, वैसे तो हमने पहले से इसे कुक कर रखा था, लेकिन फिर भी आपको लगे कि कुक हो गया है, तो अभी मैंने नमक नहीं डाला है, उससे पहले मैंने क्रीम डाला है, क्योंकि क्रीम से पहले अगर आप नमक डाल दोगे ना तो फिर क्रीम फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो अभी मैंने क्रीम ऐड करा है इसमें, और क्रीम ऐड करने के बाद भी मैं इसमें एक अच्छा सा बॉईल लाऊंगी, और जब क्रीम अच्छे से मिक्स हो गया तब मैंने इसके अंदर नमक को ऐड करा है, और नमक ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी चाप, क्योंकि चाप को हमें इसी में कुक करना है बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे से, ताकि हर एक मसाले का टेस्ट प्रॉपर आए चाप के अंदर। तब सारा चाप डाल करके आप देखिए मैं किस तरह से चाप को उसके अंदर डाल रही हूँ सब्जी के अंदर, और इनको मिक्स कर दूंगी, और बहुत हल्के हाथों से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि अगर इसको फोर्सफुली करेंगे तो उसके बाद जो है इसमें चाप का जो एक प्रॉपर जो शेप है वो ख़राब हो जाएगा। आप चाहें तो चाप को कट करके भी इसको तल सकते हैं, और तलने के बाद भी सब्जी बना सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो आप वैसा करें, मेरे को इस तरह से पसंद है तो मैंने ऐसे बना दिया है इसको। गाइज अगर मैं आप लोगों को खिला सकती ना मैं ज़रूर खिलाती, इतनी अमेजिंग खुशबू आ रही है ना इस चाप में से, मैं आपको बता नहीं सकती। ये इसलिए नहीं कि मैंने बनाया है इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि नहीं बहुत अमेजिंग आ रही है, ख़राब आती है ना तब भी मैं बता देती कि बहुत ख़राब खुशबू आ रही है, लेकिन सच में इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और अभी मैं थोड़ी देर और इसे पकाऊंगी, चाप के अंदर जितना ज़्यादा अच्छे से मसाला मतलब बस जाए रस जाए उतना ज़्यादा अच्छा है, फिर ना चाप अंदर तक बिल्कुल जूसी हो जाता है, ऐसा नहीं लगता कि अंदर कच्चा कच्चा है, सूखा सूखा है, कोई मसाले ही नहीं है, तो वो फील नहीं आता, और इसलिए लगे हुए तो मसाला भी बहुत अच्छे से इसके अंदर चला जाएगा और बहुत यम्मी फ्लेवर आने वाला है। उसके बाद तो मैं राहुल को खिलाऊंगी, सबको खिलाऊंगी, वही लोग बताएंगे कैसा है, लेकिन अभी जो खुशबू आ रही है ना इसमें से मैं बस वो बता सकती हूँ, लाजवाब आ रही है। इसको अभी मैं थोड़ी देर के लिए और 5-10 मिनट के लिए और इसको इसी तरह से ढक के रखूंगी, तब तक मैं छत पे देख के आती हूँ कि राहुल क्या कर रहे हैं, बहुत देर से वो छत पे है, तो चलिए देख कर आते हैं कि वो कर क्या रहे हैं। फाइनली आज तो धूप भी आई हुई है, थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, फिर भी ये किराएदार भैया बाहर ताला लगा के चप्पल जूते बाहर रख के गए हैं, अब कोई लेके चला गया तो। अरे कहाँ हो आप, ऊपर हो? ये कूड़ा उठाए ऊपर से, मेरे को लगा ऊपर ऐसे घूम रहे हो आप, सफाई कर रहे हैं। ये मुरझा गया है क्या या खराब हो गया है? कटिंग तो लगी नहीं, ठीक है। ये वाला आंटी ने दिया था, लग गया ये। ये सूख रहा है क्या? ये पानी ज्यादा आ गया ना इसमें, ये गल गया, खराब हो गया, ये भी खराब हो गया पानी से। गुलाब तो ठीक है, लेकिन गेंदा और वो, ये दो खराब हो गए हैं पानी से। गुलाब ठीक है सारे, नहीं हाँ ये कितना प्यारा लग रहा है। मैं ऊपर गई और पोपट हो गया एक तरह से, मुझे लगा कि राहुल अकेले हैं, और मैं आराम से गई क्या कर रहे हो कहाँ घूम रहे हो, और राहुल ने कहा पापा भी हैं यहाँ पे, हम दोनों मिलकर के ऊपर छत की सफाई कर रहे हैं। फिर मैं ज़्यादा देर नहीं रुकी ऊपर, वैसे धूप बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन फिर भी पापा जी थे तो वो दोनों काम कर रहे थे, तो बस कुछ फूल पौधे देख करके मैं आ गई, पर बारिश की वजह से तो पौधे बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। सीढ़ियाँ मैं बहुत संभल संभल के उतरती हूँ अभी, कोई भी दिक्कत ना हो, मतलब गलती से भी जोश में वैसे भाग के ना उतर जाऊँ, है ना, बस बहुत फूंक फूंक के कदम रखना पड़ता है मुझे। तो अब मैं नीचे जा रही हूँ, देखती हूँ सब्जी का क्या हाल है,
और पुच्चू गई है बाहर खेलने। आज धूप आई है तो बच्चे आज बहुत दिनों बाद बाहर खेलने के लिए निकले हैं। कूड़ा वगैरह यही है पता नहीं उसका, नहीं पता उससे। और अब चाप भी पूरी तरह से बन चुका है, आप देख सकते हो उसका जो मसाला है बहुत अच्छे से मिल भी गया है और रिड्यूस भी हो चुकी है क्वांटिटी उसकी। और जब ये पूरी तरह से मुझे लगा कि बन चुका है, आप चाहे इसे पानी मिला सकते हो अगर आपको और ज़्यादा ग्रेवी चाहिए, पर हमें रोटी के साथ खाना था तो इतनी ग्रेवी हमारे लिए मतलब सफिशियंट थी। उसके बाद मैंने गैस का फ्लेम कर दिया बंद और अब लंच टाइम भी हो चुका था तो भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी उसे देखने के बाद, तो भूख और बढ़ गई। उसके बाद इसको गार्निश कर देंगे हम धनिया पत्ते से और आप देखिए कितना प्यारा लग रहा है, दिखने में कलर भी कितना प्यारा आ रहा है। उसके बाद बस इसको सर्व कर दिया मैंने और टेस्ट करवाया सबसे और सबको बहुत पसंद आया। पुच्चू से चिकन लेग पीस कहती है, उसको नहीं पता कि चाप है, पर पोहे में देखती है तो उसको ऐसा लगता है कि तो चिकन लेग पीस है। आप देख सकते हो कितना टेम्पटिंग और कितना टेस्टी लग रहा है। और बहुत लोगों को ऐसा लगेगा ये नॉन वेज आइटम है, पर ये प्योर वेज आइटम है, ये सोयाबीन से ही बना हुआ होता है। खाना पीना खा के हम चल दिए हॉस्पिटल की तरफ और ये आज लॉकडाउन है, संडे है, कर्फ्यू लगा हुआ था सैटरडे संडे, तो इसलिए पूरी दुकानें बंद थी। लेकिन मुझे जो डेली वेंडर्स होते हैं जैसे छोले कुलचे वाले, पराठे वाले, ये सब रोज़ आते थे, खड़े होते थे साइड में, अभी कोई नहीं है। थोड़े बहुत फल फ्रूट्स ही दिख रहे हैं मुझे, तो उनके लिए थोड़ा सा बुरा लगता है कि इनका रोज़ की रोजी रोटी है। लेकिन ये बीमारी ऐसी आई है कि हम कुछ कर भी नहीं सकते। पता नहीं अब नॉर्मल कब होगा ये सब कुछ। बैठ जाइए पीछे, चलते ना मत मुंह मत करना, हाथ मुंह नहीं करोगे तो ठीक है। मुट्ठी खोलो अभी, तुम्हें बोलने की पता नहीं। नाक बंद करने से क्या होता है, डर खत्म हो जाता है? आग डर खोल के भी नहीं पता चलता। जॉग वगैरह करते हो? नहीं नहीं, यूट्यूब वगैरह। क्या नाम? मुट्ठी खोल दो, दर्द हो रहा है? ब्लड सैंपल देने के बाद हम बाहर आए, हॉस्पिटल भी पूरी तरह से खाली था, बहुत ही कम लोग थे। संडे के दिन कर्फ्यू भी है और लोग वैसे भी अवॉइड कर रहे हैं ज़्यादा हॉस्पिटल जाना, बहुत ज़रूरी है तभी लोग जा रहे हैं, वरना लोग छोटी मोटी बीमारी को इलाज तो अभी घर में ही कर लेने। उसके बाद हम गए इजी डे, क्योंकि हमें ग्रॉसरी की कुछ शॉपिंग करनी थी, कुछ चीज़ें लेनी थी, बहुत सारे तो नहीं लेकिन कुछ छोटी मोटी चीज़ें, बिस्किट, नमकीन, नगेट्स, यही सब लेना था हमें, और कुछ मसाले लेने थे, कश्मीरी लाल मिर्च वगैरह, तो वो लेने आए थे हम। और यहाँ भी बहुत कम भीड़ थी, बहुत ही कम लोग थे, गिने चुने इक्के दुक्के, हम ही लोग थे, हम दोनों थे और एक दो और लोग थे, और ज़्यादा लोग थे नहीं, बिल्कुल खाली खाली था। सभी जगह अभी तो खाली ही थी यार, संडे के टाइम सब अपने अपने घरों में कैद हैं। और वीकेंड एक ऐसा टाइम होता था पहले हमारा कि हम बाहर घूमने निकलते थे, सैटरडे संडे को घूम कर आते हैं कहीं, और अभी ऐसा टाइम आ गया सैटरडे संडे को घर में रहना है हमें। उसके बाद हम गए बीकानेर पे, पुच्चू ने कहा था मुझे छोले कुलचे चाहिए, उसको छोले कुलचे पसंद है, लेकिन छोले कुलचे वाले ने लगा ही नहीं रखा था ठेला, तो फिर हमने जलेबी ले ली क्योंकि उसको जलेबी भी अच्छी लगती है। मैंने कहा वो जलेबी ले लेते हैं उसके लिए, वो खुश हो जाएगी। और जब हम जलेबी वाले की वीडियो बना रहे थे पहले तो उसको ऐसा लगा जैसे वैसे वीडियोस नहीं बनाते कि हाँ इनका तेल देखो कितना ख़राब है या कढ़ाई देखो, ऐसी वीडियोज़ भी बन जाती है, तो डर गए एक तरीके से कि कहीं मेरे ऊपर कुछ ऐसी वीडियो तो नहीं बना रहे कि मतलब कैसे बना रहा है, क्या चीज़ें हैं। फिर उसको हमने बोला नहीं ये यूट्यूब के लिए, फिर वो कूल हो गया, फिर उसने अच्छे से बताया हमें कि क्या है, मतलब फिर उसको उससे पूछा हमने कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अगर हम बना लें, आपका फेस नहीं आएगा, बस हम जलेबियों का लेंगे। तब उसको फिर नॉर्मल लगा, क्योंकि एक बार को ना लोग डर जाते हैं, कभी कभी ऐसी वीडियोज़ भी आ जाती है ना कि उन लोगों के बारे में कोई बुराई कर दे उनके खाने पीने की, जिससे शायद वो डर गया था। लेकिन जलेबी काफ़ी अच्छी बनी थी, काफ़ी करारी बनी थी और अच्छी बनाई भी थी इसने जलेबी। और यहाँ पे गिने चुने दो तीन लोग ही थे और शायद सारी जलेबी लेने ही आए थे। और यहाँ पे बैठ के खाने वाला सिस्टम था वो भी हटा रखा था, कुर्सियाँ फोल्ड करके रखी हुई हैं, बस आपको लेकर के घर जाना है, घर जाके खाना है, बैठ के खाने के लिए अभी तो मना ही है जब तक कि कोरोना है, तो ये न्यू नॉर्मल फिर से आ गया हमारा। उसके बाद बाहर आकर देखा नारियल पानी वाला था तो नारियल पानी ले लिया उससे। मैं आ गई हूँ वापस घर में और पुच्चू के लिए लेकर आई हूँ गर्मा गर्म जलेबी, और सच में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था, बहुत ही क्रिस्पी जलेबी बनाई थी उन्होंने। और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, अब मुझे बहुत इस दिन भी आ रही है, तो मैं सोचा ब्लॉग को एंड कर देती हूँ यहाँ पे। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा आज का, अगर पसंद आया है तो इस ब्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन स्टे ट्यून।